हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया, वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोगों के पास में क्वेश्चन है उसके अंदर दिया है एफ अंडर रूट थ्री प्लस वन अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस वन इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तब क्या फाइंड करना है हम लोगों को, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आते हैं सॉल्यूशन पे। तो अभी हम लोगों को दिया है क्या है, हम लोगों को दिया है रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट थ्री। तो स्टूडेंट, जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है और ये हम लोगों की राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड के अंदर सिंपली हम लोग टू टर्म्स देख पा रहे हैं और यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, सिंगली टर्म है। तो हम लोग क्या करें, इसको इसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड जैसी, राइट। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जा सकता है। और रेशनलाइज करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि कैसे रेशनल नंबर है, बाइनोमियल रेशनल नंबर है। तो अगर ये बाइनोमियल रेशनल नंबर है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड कॉन्जुगेट से डिवाइड कर सकते हैं, तो कर देते हैं। सो कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट थ्री प्लस वन, राइट। सो दिस इज रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन, कॉन्जुगेट मीन्स रूट थ्री प्लस वन यहाँ पर एंड रूट थ्री प्लस वन एंड दिस इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट थ्री, राइट। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज रूट थ्री प्लस वन, दिस इज रूट थ्री प्लस वन, सो एक ही जैसे ब्रैकेट है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन, नाउ दिस इज लुकिंग लाइक ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो लगा देते हैं। सो दिस कैन बी रिटर्न रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट थ्री, ठीक है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, चलिए एक्सपेंड कर देते हैं इसको। सो ए, ए का मतलब रूट थ्री का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है, वन, वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे सो थ्री एंड वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, दिस इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट थ्री एज इट इज, राइट। सो रूट थ्री का स्क्वायर किया सो दिस इज थ्री, वन का स्क्वायर किया सो वन प्लस टू रूट थ्री अपॉन थ्री माइनस वन सो दैट इज टू इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट थ्री, राइट गाइस। अब थ्री प्लस वन कितना हो गया, फोर प्लस टू रूट थ्री अपॉन टू इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट थ्री, राइट गाइस। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि टू इज द कॉमन फैक्टर इन दीज टू टर्म्स, तो टू कॉमन ले लिया हम लोगों ने, सो व्हाट रिमेन्स हियर, टू प्लस टू क्योंकि बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या रह गया, रूट थ्री अपॉन टू इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट थ्री, करेक्ट। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, ओके, सो टू से टू यहाँ कैंसिल, देन व्हाट रिमेन्स, टू प्लस रूट थ्री इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट थ्री, करेक्ट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हियर आर टू टर्म्स, हियर आर ऑल्सो टू टर्म्स, अभी यहाँ पे भी इरेशनल फैक्टर रूट थ्री है, यहाँ भी इरेशनल फैक्टर रूट थ्री है, प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, सो क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ए कैन बी, ओके, तो ए कॉन्स्टेंट टर्म सो दैट इज टू, और रूट थ्री का कोफिशियंट यहाँ पर कितना है, मीन्स रूट थ्री के अलावा क्या है, है यहाँ पर बी, और रूट थ्री के यहाँ, ओके, रूट थ्री यहाँ भी है, रूट थ्री यहाँ भी है, सो इसके अलावा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं क्या, वन, सो बी इक्वल्स टू वॉट, वन एंड ए इक्वल्स टू टू एंड दैट इज योर आंसर। मैं इसी तरह की पूरी सीरीज आपके लिए लेके आने वाला हूँ जो कि आपको आने वाले टाइम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए मैं फिर से मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।